हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 4 रुपए 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 5.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने के अंदर 2% की तेजी, 3 महीने में 4% की गिरावट, 6 महीने में 7% की तेजी, और 1 साल के अंदर इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 15% की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिला, परंतु आप स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 426 रुपीज। 426 रुपीज के स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना, जहां पर स्टॉक में 2 बार सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 373 रुपीज। 373 रुपीज के स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 376 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 425 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।